हाय स्टूडेंट, मैं इसी सर अभी का जो सेशन है करंट अफेयर्स का, जी तो चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स में। आपका एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए ध्यानपूर्वक से पढ़ने में लग जाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। तो जी हाँ, तो सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण छात्रों के लिए, है ना, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का पहल किया है। क्या बताएं कि किस राज्य के राज्य सरकार ने, बता रहे हैं किस राज्य के राज्य सरकार ने ग्रामीणों पर भी भला कर रहा है, मतलब ग्रामीण के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट है, उसके लिए ऑनलाइन का सुविधा कर रहे हैं। ये जो पहल की शुरुआत किया गया है हमारे भारत के, याद रखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में। कौन सा राज्य बता रहे हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में। जी याद रखिएगा, हाल ही में भोटो यात्रा उत्सव, क्या बोले, भोटो यात्रा उत्सव, क्या बता रहे हैं आपको, भोटो यात्रा उत्सव, याद रखिएगा। ये जो मनाया गया है त्यौहार, ये नेपाल में, कहाँ मनाया गया है, नेपाल में। हाँ, और याद रखिएगा हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के, कौन सा न्यायालय बता रहे हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के, याद रखिएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिसको नियुक्त किया गया, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में, नियुक्त किया गया एस वेदनाथन, नाथन याद रख लेना, क्या बोले, एस वेदनाथन। हाँ, तो ये कहाँ के हैं, तो मद्रास उच्च न्यायालय के, कहाँ का बताएं आपको लॉर्ड मेरे, मद्रास उच्च न्यायालय का। जी और चर्चा करेंगे कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्या बता रहे हैं कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन जो बना है, याद रखिएगा, हर्ष जैन। हाँ, कौन बना है मेरे लाडलो, हर्ष जैन बना है। अब हमको कमेंट में ज़रूर बताना कि हर्ष जैन किसका, है ना, फाउंडर है, किसका स्थापना किया है, बहुत फेमस है, खेलता भी है इसमें बच्चा लोग, है ना, लोग हर्ष जैन किसका फाउंडर है, है ना। और याद रखिएगा हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है, वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया, उसका नाम है आशुतोष दीक्षित। क्या नाम बताया है, आशुतोष दीक्षित। कमेंट में जरूर बताओ कि वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट में बताओगे। जी और याद रखिएगा हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, क्या बताएं, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो तैयार करेगा वो हमारे भारत के कौन सा राज्य में, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य में। कौन सा राज्य बताएं, हिमाचल प्रदेश राज्य में। हाँ, और याद रखिएगा हाल ही में सम्राट अभियान, क्या बताएं, सम्राट अभियान की शुरुआत किया गया है ना, याद रखिएगा, गिरिराज सिंह, क्या बताएं, गिरी मतलब गिर जाओ, राज भी करो और सिंह है, क्या बताएं, गिरिराज सिंह, क्या बताएं, गिरिराज सिंह। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि गिरिराज सिंह जो है वर्तमान समय में केंद्रीय में जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा पद में है, या कौन सा मंत्री है, कौन, गिरिराज सिंह, कमेंट में बताओगे। याद रखिए मेरे लाडलो, हाल ही में एक मोबाइल जो कंपनी है रियलमी, क्या बता रहे हैं, रियलमी के जो ब्रांड एम्बेसडर बना है, किसका, रियलमी के जो ब्रांड एम्बेसडर बना है उसका नाम है खान। कौन खान, शाहरुख खान, क्या नाम बताया आपको, एस खान, है ना, शाहरुख खान, याद रखिएगा, रियलमी के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। याद रखिए मेरे लाडलो, हाल ही में सौरभ गांगुली त्रिपुरा राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सौरभ गांगुली किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, याद रखिए, टूरिज्म के, तो वो त्रिपुरा राज्य है। हाँ, और याद रखिएगा अभी भारत के जो है ना राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड आए हुए थे, और याद रखिएगा झारखंड जो, झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, इसका क्या क्या उद्घाटन किया है ना, तो याद रखिएगा जो रांची में, और याद रखिएगा बिरसा मुंडा को क्या क्या माला अर्पण किया है ना, और हेमंत सोरेन जी भी थे, झारखंड के राज्यपाल भी थे। कमेंट में बताओगे वर्तमान समय झारखंड के अभी राज्यपाल कौन है। जी और याद रखिएगा अभी चर्चा में है ना कि दिल्ली का जो संसद अभी नया बना है
वो अभी चर्चा का विषय क्यों बना है, वो चर्चा पे क्यों है, है ना, कमेंट में ये भी बताओगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना ना भूलो। जय हिंद साथियों, थैंक यू।